हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेडमी नोट 10s का रिव्यू देने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट से रेडमी नोट 10s का मोबाइल फ़ोन परचेस किया है। आज मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको करके दिखाने वाली हूँ। शाओमी ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया था, तो फिर चलो अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। यहाँ पर मुझे उसकी पैकिंग तो बहुत ही अच्छी लग रही है, आप ही देख लीजिए एक बार। तो चलो अभी मैं खोल के देखती हूँ इसे कि ये मोबाइल फ़ोन अंदर से कैसे दिखता है। मैं आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, आप देख लीजिए। मुझे भी नहीं पता है कि रेडमी नोट 10s कैसा मोबाइल होगा अंदर से। वाओ, ये देखिए मेरा प्यारा सा मोबाइल। इस बॉक्स के अंदर मुझे सिम इंजेक्टर मिल रहा है, ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है ये। और यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा क्लियर केस भी मिल रहा है मोबाइल के पीछे लगाने के लिए, ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी दिख रही है मुझे इसकी। ये देखिए, मैं यहाँ पे बेंड करके भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा केस है। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी और ये अच्छा ही दिखेगा फ़ोन के पीछे अगर लगाएंगे तो हम लोग। ये देख लीजिए, इसमें मुझे और एक चार्जर भी दिख रहा है और ये बहुत ही अच्छा चार्जर दिख रहा है मुझे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, 33 वोल्ट का ये चार्जर दिख रहा है मुझे और ये बहुत ही बड़ा हेवी है। हम देख लीजिए इसका साइज़ और इससे जल्दी चार्ज होता है। इस चार्जर से बहुत ही फास्ट चार्ज होता है। बहुत ही अच्छा कलर भी है इसका, वाइट कलर। ये देखिए, इसके साथ हम लोग को USB केबल भी दिया गया है, आप देख लीजिए कितनी अच्छी पैकिंग है इसकी USB केबल की। मुझे इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी लगी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे केबल की। ये देखिए इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है और ये वायर भी मुझे अच्छा खासा ही दिख रहा है। ये USB केबल भी मुझे अच्छा लग रहा है, देख लीजिए काफ़ी बड़ा है ये। ये मोबाइल फ़ोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। बहुत ही स्लिम है, लाइट वेट है और ये वाइट कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने इस मोबाइल को चेक किया है, इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, वॉइस भी बहुत अच्छा आता है, इसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। इसका प्राइस पूछो तो आपको ये 12,500 तक मिल जाएगा। 6GB प्लस 64GB स्टोरेज वेरियंट है। इसमें हमें 3 कलर ऑप्शन मिलता है, डीप सी ब्लू, फ्रोस्ट वाइट और शेडो ब्लैक। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाइस चॉइस किया है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी फिनिशिंग मैट फिनिश के साथ है ये और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसमें ड्यूल स्पीकर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसका ब्राइटनेस भी अच्छा है और ये फ़ोन मुझे A1 लगा।